दुर्ग में दो दिवसीय आईएमए के राज्य स्तरीय सम्मेलन में जुटे प्रदेश व देश के विशेषज्ञ डॉक्टर्स। इस अवसर पर हुई पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आईएमए कानून विरोधी किसी भी व्यक्ति या संस्थान का नहीं करती है समर्थन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ शाखा का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन शनिवार को होटल सागर इंटरनेशनल में शुरू हुआ। वहीं सम्मेलन में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि के रूप में एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर शामिल हुए। सम्मेलन में रायपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं राष्ट्रीय न्यूरोलॉजी एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अनूप वर्मा ने आईएमए के छत्तीसगढ़ पदाधिकारियों के पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शरद पाड़कर, चेयरमैन डॉक्टर अजय गोवर्धन, सचिव डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर, साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात पांडे, साइंटिफिक कमेटी को चेयरमैन डॉक्टर रवि शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की और आईएमए व समाज हित में बेहतर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की और आईएमए की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि आईएमए सेवाभावी संस्था है। देश भर में संस्था के 1700 ब्रांचेस हैं। संस्था के करीब 4,00,000 चिकित्सक सदस्य हैं। संस्था द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ में आओ गांव चले अभियान की जल्दी शुरुआत करेगा। अभियान के तहत आईएमए की एक ब्रांच एक गांव को गोद लेगी, जहां लोगों को स्वास्थ्य सेवा व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह अभियान अन्य प्रदेशों में 2004 से शुरू किया गया है। वहीं नर्सिंग होम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन से जुड़े एक सवाल के जवाब में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने कहा कि नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करना दुर्भाग्यजनक है। आईएमए कानूनी विरोध किसी भी लोगों का समर्थन नहीं करती। नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पतालों में क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन 50 बिस्तर की क्षमता से छोटे नर्सिंग होम को इस एक्ट में छूट देनी चाहिए, क्योंकि यह छोटे नर्सिंग होम गरीब वर्ग के लोगों को चिकित्सा सेवा व सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इन अस्पतालों के लिए एक्ट व्यवहारिक होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इलाज महंगा होगा, जिसका गरीब वर्ग पर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जेनेरिक दवाइयां अच्छी हैं, लेकिन दवाई लिखने का अधिकार डॉक्टरों के पास सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मरीज के इलाज की स्थिति के अनुसार दवाइयां लिखते हैं। डॉक्टर पर जेनेरिक दवाई लिखाने का दबाव होना न्याय संगत नहीं। मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पिछले महीने इस पर एडवाइजरी जारी करी है। देखिए, H1N1 या इन्फ्लुएंजा वायरस, ये देश में शुरू से आप सब जानते हैं, आप सभी को कॉमन कोल्ड जिसे आप कहते हैं हुआ ही होगा, वो ही है वो H1N1। अब ये जो वायरस है, ये हर बार इनमें म्यूटेशन होता है, नया इस सब टाइप आ जाता है। तो ये H1N1 का जो सब टाइप है, इस बार H3N2 है। आपको मैं बता दूँ, इन्फ्लुएंजा वायरस से हर साल पूरे वर्ल्ड में करीब 5 से 6 लाख मौतें होती हैं, पर क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उसको कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहा, तो पता नहीं है। लेकिन वो मौतें किसकी होती हैं? नॉर्मल आदमी की नहीं होती, या तो कोई कोमॉर्बिडिटी है, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है, कैंसर का है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, कोई सीवियर इन्फेक्शन है, या फिर उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन पर ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, उनको मॉर्टलिटी होती है। इससे H3N2 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन, जो हम 2 साल 2.5 साल में सीख गए हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही करना है। हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, यही इसका सुझाव है, यही बचाव है। जो काम कर रही है उससे मैं पूरी तरह वैसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं और जो कमेटियाँ रही हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और मैं उन कामों को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ। विशेष रूप से जो अभी बात चल रही थी कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी 15 दिन पहले मेरी डॉक्टर सिंहदेव जी से मेरी बात चर्चा भी हुई थी, उसमें भी हमने ये बातें रखी कि 50 बिस्तरों से नीचे, उनका कहना था कि भई ये अव्यवहारिक है, क्योंकि जो केंद्र के कुछ कानून हैं वो हमको इजाज़त नहीं देते, लेकिन वही केंद्र के कानून जो है वो हरियाणा में लागू हैं, वही केंद्र के कानून उत्तर प्रदेश में लागू हैं, उत्तराखंड में लागू हैं। तो वहाँ के कानून जब वो लागू होने के बावजूद वहाँ पे जब वो 50 बिस्तरों से नीचे वो छूट देते हैं, क्योंकि यदि 50 बिस्तरों से नीचे हमको छूट मिलेगी तो हमारा ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्टेट कॉन्फ्रेंस है और उसमें स्टेट काउंसिल मीटिंग भी है। इसमें नई टीम का गठन हुआ है, तो नए नवयुक्त अध्यक्ष जो शरद, डॉक्टर शरद हैं, इन्होंने यहाँ पदभार ग्रहण कराया छत्तीसगढ़ के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में।
और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग करते हैं तो उसमें डिस्कशन होता है किस तरह से हमारी CME प्रोग्राम चलता है, जिसमें मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर्स अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, कोई नई बीमारी आई है उसके इलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा किस तरह से हम लोग जो हमारा एक हेल्थ प्रोजेक्ट्स या जो हम पब्लिक की हमारी एक सेवा का भाव रहता है उसमें हम क्या क्या कोई नए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। जैसे कि IMA हेडक्वार्टर का एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च करा है जो कि पहले भी था, अभी दोबारा रीलॉन्च करा है उसे हमने, आओ गांव चलें। आओ गांव चलें के अंतर्गत हमने अपने 400,000 मेंबर के माध्यम से 1,750 ब्रांचेस के माध्यम से देश भर में सबको ये रिक्वेस्ट करा है, हर एक ब्रांच एक एक गाँव को कम से कम अडॉप्ट करेगी और वहाँ पर रेगुलर हर महीने रेगुलर एक्टिविटी करेंगे, जांच एक्टिविटी करेंगे, कोई वैक्सीनेशन पे काम करेंगे, अनीमिया डिटेक्शन पे काम करेंगे और डे टू डे जो भी बीमारियां आती हैं उसमें हेल्थ एडवाइजरी वहाँ पे अवेयर करने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी हेडक्वार्टर को भेजेंगे और हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग भी करेगा। ये सब स्वतः संज्ञान हम लोगों ने लिया है, कोई हमारे ऊपर ओब्लिगेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन IMA क्योंकि ये काम करती आ रही है, कोविड में आप लोगों ने देखा कि 2000 डॉक्टरों की जान गंवाई हमने, फिर भी हमने देश का नाम ऊपर करा, लोगों की जान बचाई, तो IMA शुरू से काम करती आई है, अब वो कर रही है, उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन यहाँ हो रहा है। सर सितारा जो है, देखिए किसी के खिलाफ करने का अधिकार IMA को है ही नहीं, IMA एक संस्था है, IMA के पास कोई अथॉरिटेटिव पावर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई विवाद हुआ है तो उसमें ये मान लेना कि वो अस्पताल की गलती है ये भी गलत है, अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और एक न्यूट्रल इंसान उसको डिसीजन ले। देखिए कानून हाथ में है, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे आपसे कोई विवाद है, मुझे आपसे कोई नाराजगी है तो कानून मुझे इस बात का अलाउ नहीं करता कि मैं आपको मैन हैंडल कर दूँ, तो मैन हैंडल वायलेंस तो हर संस्था में हर लेवल पे आपके माध्यम से कंडम होना चाहिए। अस्पताल की जांच तो बाद में होगी, जिसने मैन हैंडलिंग करा है पहले उस पर एक्शन होना चाहिए। आप अस्पताल को सेफ जोन घोषित करा गया है, केवल ये हिंदुस्तान है जहाँ पे डॉक्टर को जब मतलब हो तो भगवान बना देते हैं, जब कोविड हो, जब कोविड में अपने बाप को, अपने पिताजी को, अपने बच्चे को माँ बाप हाथ नहीं लगा रहे थे और माँ बापों को बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे डर के मारे, तब वो डॉक्टर ही था जो जान बचा रहा था, उसके अवज में डॉक्टर ने आपसे क्या ले लिया और क्या आपने